हाय गाइस, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। आज नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य। इसकी पहचान होती है ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में किसी कार्य का न होना या नहीं शब्द लगे आते हैं। ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में किसी कार्य का न होना या नहीं शब्द लगा आता है, तो वे वाक्य नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में किसी कार्य का न होना या नहीं शब्द लगा आता है, तो वे वाक्य नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य कहलाते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, यह सब्जेक्ट एकवचन का हो, ही सी इट या सिंगुलर नाउन के साथ वाक्य बनाते समय हम सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य नेगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन का है, आई वी यू दे या प्लूरल नाउन में से कोई भी है। इनके साथ अगर हम वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट एमवी की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जाम्पल है पहला, राधा गाना नहीं गाती है, तो इसको बनाएंगे, इसमें सबकर्ता आपका राधा, तो राधा एकवचन का है, तो फिर डज नॉट। मैंने अभी बताया था जब कर्ता एकवचन का हो तो हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग करते हैं। राधा डज नॉट क्या करती है, गाती है। गाना की स्पेलिंग होती है सिंग, क्या गाती है, गाना, सिंग ए सॉन्ग। धोबी गंदे कपड़े नहीं धोता है, तो द वॉशरमैन सिंगुलर है, तो डज नॉट, दोनों की वास क्या होता है, गंदे कपड़े, वास द डर्टी क्लॉथ। ये दो एग्जांपल है, वे कठिन कार्य नहीं करते, तो बे की स्पेलिंग दे या प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग, तो डू नॉट करना की, डू कठिन कार्य की, हार्ड वर्क, डू द हार्ड वर्क, दे डू नॉट डू द हार्ड वर्क, खेत नहीं जोतते हैं, तो इसको बनाते हैं, कर्ता बहुवचन का है, तो डू नॉट, जोतना की स्पेलिंग होती है आपकी प्ले प्लो पी एल ओ यू जी एच प्लो, क्या जोतते हैं, खेत, प्लो द फील्ड। ये आपका नेगेटिव का सेकंड पार्ट हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछने का बोध हो, तो वो सेंटेंस तुम्हारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाक्य कहलाते हैं। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपके टू टाइप्स के आते हैं, एक वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनमें प्रश्न पूछने का बोध, जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, वो वाक्य के आरंभ में आता है, और एक वो सेंटेंस वो वाक्य जिनके प्रश्नवाचक शब्द जिन वाक्यों के मध्य में बीच में आता है। तो दो प्रकार के आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, अब इनमें से फर्स्ट टाइप आपको पढ़ाता हूं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान, ऐसे वाक्य जिन वाक्यों का आरंभ प्रारंभ या शुरुआत एक प्रश्नवाचक शब्द से होती है। ऐसे वाक्य जिन वाक्यों का आरंभ एक प्रश्नवाचक शब्द से होता है, तो वे वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिन वाक्यों का आरंभ एक प्रश्नवाचक शब्द से होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यदि वाक्य का आरंभ किसी एक क्वेश्चन वर्ड से होता है, यानी प्रश्नवाचक शब्द से होता है, तो वाक्य बनाते समय हम उस वर्ड की अंग्रेजी न लगाकर कर्ता को देखते हुए उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग सर्वप्रथम करते हैं। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, तो वाक्य बनाते समय वाक्य के आरंभ में आए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी न लगाकर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, अगर कर्ता तुम्हारा बहुवचन का है तो डू, अगर कर्ता तुम्हारा एक वचन का है तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट दिया गया है सेंटेंस के अंतर्गत तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं दिया गया है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर सेंटेंस को खत्म करेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला है।
डज द काउ ईट द ग्रीन ग्रास, क्या गाय हरी घास खाती है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेती है, क्या मोहन बाजार जाता है। तो इसमें भी आपका क्वेश्चन वर्ड शब्द आ रहा है, तो इसको बनाने के लिए क्या लगाएंगे, कर्ता देखेंगे, कर्ता आपका सिंगुलर है, तो फिर डज मोहन, डच मोहन जाना कि गो टू बाजार की मार्केट, डच मोहन गो टू मार्केट। ये हमारा एग्जांपल से लेते हैं, क्या क्या मैं आगरा ताजमहल देखने जाता हूं। इस सेंटेंस को हम किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, इसमें देखो कर्ता मैं है तो ये बहुवचन का है, तो बहुवचन प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब डू, आई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर नॉट इसमें कहीं दिया नहीं, छोड़ दो, एमिक फर्स्ट पर। अब इसमें जाना पहले है देखना बाद में, दो वर्ब्स दी गई हैं। ऐसे सेंटेंस जब दो वर्ब्स दिए जाते हैं तो हम एक कंजेक्शन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें ये कार्य किया सेंटेंस के अंदर कार्य कौन सा पहले हो रहा है वो वर्ब हम पहले लगाते हैं, तो जाना पहले होगा उसके बाद देखना होगा। तो जाने के लिए डू आई गो टू, और देखना कि सी, क्या देखेंगे ताजमहल, डू आई गो टू सी द ताजमहल, और कहां देखेंगे आगरा, तो आगरा, डू आई गो टू सी द ताजमहल आगरा। तो क्या क्या ये विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, तो डू ये विद्यार्थी दीज स्टूडेंट, डू दीज स्टूडेंट्स, अब नॉट दिया गया इसमें नहीं तो नॉट लगाओगे, नॉट शोर मचाना कि मेक ए नोइज, डू दीज स्टूडेंट नॉट मेक ए नोइज कहां कक्षा में, तो इन द क्लास, डू दीज स्टूडेंट नॉट मेक ए नोइज इन द क्लास। प्लूरल सब्जेक्ट का तो प्लूरल वर्ब लगाया गया और ये सेंटेंस बन गया। ये आपके इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जांपल थे, नेगेटिव एग्जांपल बता दिए। अब आपका सेकंड पार्ट रहेगा डबल इंट्रोगेटिव, तो अगले वीडियो तक बने रहिए और आपको आगे बताते हैं, अगले वीडियो में बताएंगे इसके बारे में सेकंड पार्ट के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।